हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है डीआरडीओ की तरफ से एंड आप लोग का फाइनल सबमिशन का डेट को इंक्रीज कर दिया गया है। फाइनल सबमिशन डेट इंक्रीज किया गया है फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। अब इसको समझना आपको पड़ेगा, बिकॉज अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कॉल करा, सबको हजारों टाइप का प्रॉब्लम था। जैसे कुछ स्टूडेंट वैसे थे जो अभी तक डीआरडीओ के फॉर्म को फिलअप ही नहीं किए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि सर अगर ये डेट को इंक्रीज किया गया है, यानी कि पहले आप लोग का लास्ट डेट आप लोग को याद होगा 23rd of September था, isn't it? तो अब 25th of September कर दिया गया, दो दिन बढ़ा दिया गया, और ये आप लोग का 24th of September को आया है नोटिस। तो उन लोग को ये लग रहा है कि सर मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो क्या मैं भी भर सकता हूं, न्यू में कैंडिडेट्स हूं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड डाउट आप लोग का ये है, कुछ स्टूडेंट क्या किया है, कुछ कुछ गलती किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है कि हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है डीआरडीओ में। जैसे अगर डिप्लोमा पोस्ट में आप अप्लाई किए हो तो आप डिग्री जो है उसको मेंशन नहीं करना है, और मैं बार बार इस चीज को क्लियर करा हूं। जो हम लोग का डिटेल जो नोटिफिकेशन वीडियो आया था जिसमें अभी 1,00,000+ व्यू चल गया, उसमें मैं ऑल इंडिया रैंक 1 भी कर रहा वो चीज, तो मैं बहुत ही मेंशन उसमें करा और बताया हूं कि आप लोग को हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। अब उसके बावजूद भी कुछ कुछ स्टूडेंट क्या किया है कि बीटेक हायर क्वालिफिकेशन दे दिया गया। तो पहला गलती तो यह है कि हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, और मैं आप लोग को यह भी प्रैक्टिकल बताया था कि ऐसा हुआ है कि डीआरडीओ में डीवी में जाने के बाद, मतलब CBT 1 CBT 2 निकालने के बाद, मेरिट लिस्ट बनने के बाद जब डीवी में बच्चा गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, उस टाइम पे क्या किया, लड़का को रिजेक्ट कर लिया गया। क्यों किया गया? ओनली उसका रीजन क्या था कि वो लड़का बीटेक भी किया था, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को डिप्लोमा कैंडिडेट्स को मांगा गया है। रीजन सिंपल सा ये है कि उन लोग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं इंटर कराता है क्योंकि इसरो डीआरडीओ जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक जो आपको ड्यूटी दिया जाता है ना, तो एक खास टाइम पीरियड के लिए उसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और रिक्रूटमेंट होता है 3-4 साल बाद। अब एज आप टेक्निकल सीनियर टेक्निकल ऑफिसर बन गए हो एंड आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, इसरो डीआरडीओ साथ मिलकर कोई करता है या कुछ भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है, आर्मी वगैरह से कनेक्टेड है, अब वहाँ पे बीच में अगर आप हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट को दे दिया गया तो क्या करेगा, जॉब छोड़ के चल जाएगा। अगर जॉब छोड़ के चल गया तो वहां पे क्या होता है, उसको घाटा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी रोड से उठा लिया और बना दिए इसरो में डाल दिए, पॉसिबल नहीं है, राइट, समझ आया कि नहीं। और कोई रेलवे एसएससी वगैरह है नहीं कि नहीं है, एक तो चलेगा, चलो किसी और को लोड दे देंगे, वहां पे इस तरह का चीज जो है लापरवाही बरता नहीं जाएगा। इसीलिए हायर क्वालिफिकेशन वाले को उन लोग एंट्री देता ही नहीं है ताकि वो आए और छोड़ के ना चल जाए इस डर से, समझ आए कि नहीं। अगर आप बीटेक किए हो तो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर में जाइए या फिर इंजीनियर के पोस्ट में जाइए, पहली बात तो ये। तो वो बच्चा क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, कोई गलती किया है, और क्या गलती किया है, जैसे एक लड़का से मैंने बात करा, वो बोला सर मैंने आईटीआई करा है और आईटीआई का जहां पे सर्टिफिकेट मांगा जाता था ना, वहां मैंने एडमिट कार्ड या रिजल्ट कार्ड, शायद बोला रिजल्ट कार्ड डाल दिया गया। और बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैं पिताजी का नाम जो है, फादर का नाम वो गलत डाल दिया हूं, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया हूं, फोटो गलत है, फोटो कुछ कुछ चीजें जो है नाउ। तो पहली बात ये हो, ये आप नोटिफिकेशन आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना, तो क्लियरली मेंशन है ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखो वही स्टूडेंट ना सबमिशन मतलब फाइनल सबमिशन का डेट को बढ़ाया गया है जो रजिस्टर कर लिया है। जब जैसे आप रजिस्टर करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एक मिलता है आपको पासवर्ड, जिसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करके सभी फॉर्म को फिलअप करते हो। तो दोज कैंडिडेट्स के लिए बढ़ाया गया है जो एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, उन लोग को मिल गया रजिस्ट्रेशन नंबर, मिल गया पासवर्ड वगैरह मिल गया, बट ड्यू टू सम कंडीशन वो या तो हाफ फॉर्म को भर के नहीं बाकी फुल कर पाए हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया होगा या फिर कुछ चीजें बच गया होगा, फिर पेमेंट नहीं किए होंगे, वही बच्चा के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आपको ये सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म ही नहीं भरा हूं तो क्या मैं भी भर सकता हूँ फॉर्म को, बिल्कुल नहीं। दूसरा कंडीशन मैंने क्या कहा कि सर देखो, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप फाइनल सबमिशन कर चुके हो, आपका जो जब भी फॉर्म फिलअप किए हो वो डीआरडीओ के पास चल गया है, तो आप फिर से री इंटर या फिर री फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, समझ आया। दूसरा कंडीशन, अगर कोई गलती भी की हो, समझो कोई गलती भी की हो लेकिन आपका फाइनल सबमिशन हो चुका है, फिर भी आप एडिट नहीं कर सकते हो, फिर से फॉर्म को भी नहीं भर सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ये था कि सर जी ये काम करिए, मैंने कुछ गलत करा है ना, तो काम करते हैं हम दूसरा मैं खुद उससे करा कि एक बार ट्राई करके आप खुद देखिए, ताकि मैं वो चीज़ प्रैक्टिकल का आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप काम करिए दूसरा जीमेल से और दूसरा फोन नंबर से आप लॉगिन करके ट्राई करिए, फॉर्म को अप्लाई करिए, बिल्कुल नया फॉर्म को नया बच्चा अप्लाई कर ही नहीं सकता है, समझ आया। तो अगर गलती भी हुआ है या फिर कुछ चीज़ को आप फॉर्म को सबमिशन कर दिए हैं तो आप नहीं कर सकते। दोस्त कैंडिडेट जैसे मैंने कहा, जो कैंडिडेट भाई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल गया और हाफ फिलअप करके कुछ चीज़ें उनका छूट गया है,
उस बच्चा के लिए यहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया गया है। समझ आया, दोनों चीज क्लियर हो गया कि नहीं आप लोग को? ठीक है, यानी कि अगर आप नहीं फॉर्म को भरे हैं, ठीक है, फॉर्म अभी तक भरे ही नहीं है और भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, पहला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, सर मिला फॉर्म जो है सबमिशन हो चुका है लेकिन कुछ गलती है, कोई भी गलती हो सकता है, तो क्या फिर से एडिट कर सकते हैं या फिर दोबारा फिर से फॉर्म भर सकते हैं? फिर भी नहीं, क्योंकि न्यू फॉर्म भर ही नहीं सकते, तो वो भी चीज क्लियर हो गया। ओनली कौन कर सकता है यहाँ पे? ओनली एक ही कैंडिडेट कर सकता है जो पहले से ही रजिस्टर्ड किया गया है, जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, वही जिसका कुछ चीज जैसे या तो वो फी नहीं पेमेंट किया होगा या फिर कोई अदर चीज डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर कोई एरर किया होगा लेकिन वो फॉर्म को सबमिशन नहीं किया था, फाइनल सबमिट नहीं किया था, वही लड़का यहाँ पे एडिट कर सकता है। समझ आया? चलिए, ये चीज़ था, ये आप लोग को बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था जो आप सभी बच्चों को हो रहा था। ये नोटिफिकेशन मैं पहले बना देता 2-3 घंटा पहले, जब भी आया था बेसिकली पहले मैं क्लास ले रहा था आप लोग का, और उसके जस्ट बाद आया सर का कॉल कि सर इसमें ये आपका डेट जो है बढ़ा गया, एक्सटेंड किया गया है, राइट। लेकिन उससे पहले ही आप लोग का कॉल आने लगा, तो आप लोग को पहले बात करा, सिचुएशन समझे, सभी बच्चों को बहुत सारा दिक्कत था, उन सभी को बताएं, देन यहाँ पे मैंने पढ़ा, फिर आप लोग को सोचिए बना देते, क्योंकि अब बहुत सारा कॉल आ रहा था, सबको रिप्लाई करने से अच्छा है मैं आप लोग को ये चीज़ क्लियर ही कर दूं ताकि आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो जाए। और कोई बच्चा अगर DRDO के फॉर्म को हाफ फिलअप करके छोड़ दिए होंगे तो DR फॉर्म को भर दीजिए, बहुत ही बेसिक आपको पूछा जाएगा, सिलेबस बहुत ही ईजी है, आराम से निकाल जाइएगा। और ये RRB JEE SSC JEE से लाख गुना अच्छा जॉब है, क्योंकि ISRO DRDO जिसमें कहा ये ड्रीम जॉब होता है, यहाँ पे आप समझो दुनिया के ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं, PMO जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा आपसे कनेक्ट में रहा जाएगा, तो ये अलग ही आपको वर्ल्ड देखने को मिलेगा, मिसाइल रॉकेट जो जितना तरह का आपको मिसाइल वगैरह बनता है, कोई भी गगनयान है, ये सभी चीज़ जो आप देखते हो ना, सब चीज़ आप वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ देखोगे तो कम्प्लीटली अलग वर्ल्ड मिलेगा। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इससे पहले जो September 9 था उसमें वो कैंडिडेट जैसे मैंने कहा था ना कि DRDO किया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो भी क्वालिफाई करा था, और एक बंदा था, देखिए दो कैंडिडेट था, दोनों बीटेक करा था, लेकिन एक क्या किया था, वो बीटेक सो ही नहीं किया था, सिर्फ डिप्लोमा से किया था, एंड सेकंड बंदा क्या था, डिप्लोमा और बीटेक दोनों सो किया था, दोनों DB में चल गया, दोनों क्वालिफाई कर गया CBT 1 CBT 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल गया, और मेडिकल में वहां पता चला कि जो मेंशन नहीं करा था बीटेक उसका क्वालिफाई कर गया, उसका ज्वाइनिंग हो गया, जॉब करने रहा, लेकिन जो बच्चा बीटेक किया उसको रिजेक्ट कर दिया गया। समझा? और उस समय पे वो लड़का लोग का एक नहीं बहुत सारे का मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ, RRB JEE वगैरह भी निकला था, SSC JEE निकला था, लेकिन उन सभी को छोड़ दिया, जबकि वहाँ पे ज़्यादा पेमेंट है RRB वगैरह में, RRB JEE में, लेकिन इसको लिया, रीजन DRDO है भाई, DRDO ISRO जैसे इंस्टीट्यूट के लिए आप बड़ा से बड़ा पद को छोड़ सकते हो, समझ आया कि नहीं? बिकॉज ऑब्वियसली बात है आपका ग्रोथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और अलग ही आप लोग को एक वर्ल्ड मिलेगा। सो गाइस, आई होप सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही लगा होगा, जो भी आप लोग को मिथ या फिर दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रहा है वो चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो यू कैन कमेंट मी, मैं उसका आंसर करूंगा, एंड अगर कोई स्पेशल डाउट रहे तो मैं आप लोग को क्या करने वाला हूं? बताने वाला हूं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। एंड और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा, लेकिन DRDO सेप्टेम का जो है DRDO का बैच हम लोग लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है, बैच लॉन्च कर दिए हैं, तो आप इसको परचेस कर सकते हो, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी है एंड बीटेक वाले मतलब सॉरी जो ITI वाले बच्चे हैं और डिप्लोमा वाले बच्चे हैं दोनों के लिए बैच को लॉन्च कर दिया गया, ऑनलाइन बैच है, आप जाके उसको जो है ले सकते हो, पेड कोर्स है। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिएगा, ऐप आपको मिलेगा इन्फिनिटी एजुकेशन का, आप वहाँ पे जाओ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है एंड सभी बच्चे काफ़ी खुश हैं, तो आप जाइए इन्फिनिटी एजुकेशन AJK ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करिए, और 100% मैं आप लोग को तैयारी बहुत ही अच्छा करा दूंगा, A level का करा दूंगा, इजंट इट, हर एक फैकल्टी जो है वो एक्सपर्ट फैकल्टी है हर एक आपके सब्जेक्ट्स का, इजंट इट। तो चलिए, एंड आप जैसे मैंने कहा इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आपका, उसको डाउनलोड कर लेना, एंड फी वगैरह कितना रखा गया वो भी आपको वहीं पे ऐप में पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, जैसे मैंने कहा हम लोग ऑल इंडिया रैंक में 1 पे हैं, ठीक है, यानी कि DRDO का बैच को रिलेटेड, तो हम लोग का बैच जो है ऑल इंडिया रैंक में 1 पे जा रहा है, आप सर्च मारिएगा DRDO सिलेबस 2022, आपको देखेगा सबसे पहले मेरा ही वीडियो आएगा, 1,00,000+ भी चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ भी अभी तक नहीं हुआ है, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है, YouTube खुद रैंक 1 लाइए तो इट मीन्स क्वालिटी है तभी ना, तो जाइए कोर्स लीजिए और पढ़ाई करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और डाउट को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।